योगी सरकार आज टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित कर रही है, और जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी, डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा शिरकत करेंगे। इसके अलावा यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी और मंत्री सुरेश खन्ना भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि यह सम्मान समारोह भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में ओलंपिक पदक वीरों के साथ प्रतिभागियों को भी प्रोत्साहन सम्मान मिलेगा, साथ ही हर खेल के कोचों को भी सम्मानित किया जाएगा। तो यूपी में ओलंपिक खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया जाना है। सीएम योगी आज इन खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे। और चलिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम इस वक्त जुड़ गए हैं। शुभम, आज एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, ओलंपिक विजेताओं के सम्मान में पूरा कार्यक्रम रखा गया है और सीएम की तरफ से सम्मानित किया जाएगा खिलाड़ियों को। निश्चित तौर पे आज सभी जो ओलंपिक्स में खिलाड़ी शामिल हुए थे, जिन्होंने भारत के झंडे का, तिरंगे का मान बढ़ाया, उन सभी खिलाड़ियों को आज उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा सम्मान दिया जाएगा। इसी कड़ी में लगभग दो दिन पूर्व ही ओलंपिक में शामिल होने वाले सभी खिलाड़ी राजधानी लखनऊ में पहुंच चुके हैं। सभी खिलाड़ियों को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मान देंगे। इस दौरान तमाम वो सभी खिलाड़ियों को अलग से सम्मान देने की प्रक्रिया है। करीब ये कार्यक्रम 3 से 4 घंटे का चलेगा। राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में इसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां करीब बीते 2 दिन से चल रही थी, जिसके बाद आज ये कार्यक्रम संपन्न होना है। इस दौरान तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, उत्तर प्रदेश में जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है वो भी रहेंगे, खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी भी रहेंगे, और बताया जा रहा है कि इस दौरान जो इनाम राशि है, जो प्रोत्साहन राशि है, इन सभी खिलाड़ियों को दी जाएगी, जिसमें सबसे ज्यादा जो गोल्ड मेडल लाने वाले नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। इसी प्रकार अन्य खिलाड़ियों को भी अन्य अन्य वर्गों में जिस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस रही है, उस हिसाब से उनको प्रोत्साहन राशि यहां पर दी जाएगी। जी बिल्कुल शुभम, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से यहां पर तैयारियां चल रही थी, आज मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में, तो उनके साथ और कौन कौन जुड़ेगा, क्योंकि अधिकारियों का जिक्र भी आप कर रहे हैं, वो भी मौजूद रहेंगे और खिलाड़ी जो हैं वो पहले ही पहुंच चुके हैं। जो बिल्कुल खिलाड़ियों को मैं अगर बताएं तो नीरज चोपड़ा कल शाम को राजधानी लखनऊ में पहुंच चुके हैं। इसी प्रकार अन्य वर्गों के खिलाड़ी भी राजधानी लखनऊ में 5 सितारा होटल में टिके हुए हैं, जहां पर उनके तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके बाद तय कार्यक्रम के अनुसार ही वे धीरे धीरे इकाना स्टेडियम में कुछ देर पूर्व पहुंचेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पहुंचना है, तो उस दौरान तमाम तरह के प्रोटोकॉल्स भी रहेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए कि कब किस समय को किस समय पर खिलाड़ियों को जाना है, किस तय समय के अनुसार उनको पहुंचना है, तो ये सभी पूरा प्लान पूरी तरह से तैयार हो गया। हालांकि अब इसको नहीं किया गया, लेकिन समय थोड़े कार्यक्रम शुरू होने से पहले इसको लेकर के पूरा कार्यक्रम आ जाएगा। और इसमें जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, भाजपा से प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे, खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी रहेंगे, और बताया जा रहा है कि राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में रह सकते हैं, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं। लेकिन एक बड़ा प्रदेश अध्यक्ष, खेल मंत्री के साथ ही तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में। बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। शुभम, आप बने रहिएगा हमारे साथ।